हे गाइस, आज सुबह के 6 बजे मैं उठ गई। शायद दिल्ली में आज मैं पहली बार 6 बजे उठी हूँ, सो करके आंखें मेरी सूजी हुई हैं। और सुबह आज इसलिए उठी क्योंकि मुझे जाना था शूट पे, कुछ वीडियो शूट करने थे जिसकी वजह से मैं सुबह उठी थी। और फाइनली लोकेशन पे आने के बाद ये मुझे बैग पकड़ा दिया, एक अंकल का बैग मिल गया था और ये लोग मुझसे ही ढोवा रहे हैं बैग। हमें एक अपने वीडियो के लिए इस बैग की ज़रूरत थी, तो ये लोग इतने अच्छे नहीं है कि खुद भी ढो सकें। लड़के होकर के भी बैग नहीं ढो रहे हैं तो मुझे ढोना पड़ रहा है। यार क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का, मैं थक भी गई थी। वैसे थैंक यू उस अंकल का जिन्होंने ये बैग दे दिया हमें। फाइनली ये बैग लेके हमने वीडियो बनाया, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बोला, भाई ले जा अब तू रख, अब मेरे बस की नहीं है बैग उठाना। इसके हाथ में मैंने पकड़ा दिया, ये ले जा करके उनको वापस करके आया। अब इसके बाद हमें भूख लगी थी, हमने खाना क्या खाया, मैंने नमकीन खाया। वहाँ एक छोटी सी दुकान लगी थी, हमने इनका दुकान भी यूज़ किया अपने एक वीडियो के लिए, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी पोस्ट कर देंगे हम। और फिर जब इनका दुकान हमने यूज़ किया वीडियो के लिए, तो नमकीन देना तो बनता है, इतनी ह्यूमैनिटी तो हमारे अंदर भी है। उसके बाद से फिर नमकीन खाने के बाद पानी की बारी आई, पानी भी हम इन अंकल से ही ली। और उसके बाद से पानी पीने के बाद मैं अब सोच रही थी कि ये फ़ोन, क्योंकि मेरा डिस्चार्ज हो चुका था तो अब घर चलना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे हमने पहले पानी पिया और चार से पाँच घंटे हमने वहाँ पे अपना वेस्ट किया था, तो प्यास तो लगी जानी है। अब मैं यहाँ से निकल चुकी थी घर को, फाइनली दोपहर हो चुका था और भूख भी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी आते टाइम कुछ और भी खा लेते हैं, नमकीन से तो मेरा पेट भरा नहीं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे डोसा खाया, मसाला डोसा, बहुत अच्छा था इनका डोसा। मैंने इनके वहाँ पे पहली बार खाया था और सच में इनका डोसा मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। 50 रुपीज़ का था ये, लेकिन बहुत अच्छा था, खाने में मज़ा आ गया। बाय बाय, मिलती हूँ आपको।